बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज फहीम भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फहीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। तो फाइनली बहुत सारी बुरी खबरों के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छी खबरें भी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त मोबाइल फोन के बारे में बताने वाला हूं, जो है Xiaomi का 13 लाइट। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द इंशाल्लाह। मार्च के फर्स्ट में या मार्च के मिड में जो है ये फोन लॉन्च कर दिया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त मोबाइल फोन है जिसके बारे में आज जो है हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो वो लोग जो इंतजार कर रहे थे कि यार कोई तो अच्छा सेट पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च हो, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है Xiaomi की तरफ से बहुत बेहतरीन मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला है। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और बेल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल की लुक की। तो एक बहुत बेहतरीन जबरदस्त जो है इसके कलर्स है और इसकी लुक बहुत प्यारी है। इसका कैमरा फीचर बहुत अच्छे है, बैटरी टाइमिंग के अंदर भी इंप्रूवमेंट की है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी बैटरी की। बैटरी के अंदर जो है आपको पता है कि बैटरी बहुत अहम होती है मोबाइल के यूज करने के लिए। तो इस मोबाइल के अंदर लिपो 4500 की बैटरी यूज की है। Xiaomi का जो लास्ट मोबाइल था उसके अंदर उन्होंने 4000 mAh की बैटरी यूज की थी, लेकिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है, 4500 बैटरी को यूज किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बैटरी है इसके। और इसकी एक बहुत जबरदस्त खूबी है, वो है इसकी फास्ट चार्जिंग। 67 वोल्ट का जो है चार्जर इसके साथ यूज किया है उन्होंने, जो कि बहुत फास्ट आपके मोबाइल को चार्ज करने वाला है। इसका जो फिंगरप्रिंट है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल यूज किया है, जो कि एक बहुत स्मूथ और बहुत फास्ट यूज होता है और जो है बहुत बेहतरीन जो है इसका फिंगरप्रिंट जो है इन्होंने यूज किया है। मेमोरी की बात करें तो 8GB रैम है और 128GB रोम है इसकी। होता क्या है कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है 128 8GB 128 इस तरह के जो है कॉम्बिनेशन के साथ जो है मोबाइल लॉन्च किए जाते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है कि 8GB के साथ 256 रोम जो है यूज की जाए। तो कैमरे की बात करें तो एक बहुत ही जबरदस्त कैमरा इसके अंदर यूज किया है, जो कि 50 MP का कैमरा है और इसका बहुत जबरदस्त जो है रिजल्ट है और इसकी शेप भी बहुत प्यारी है। अच्छा जी, अब जो है इसकी एक बेहतरीन चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वो है इसका फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरे की जो लुक है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे मोबाइलों से, बहुत ही जबरदस्त। और जो है डबल कैमरा, फ्रंट जो है डबल कैमरा आपको डिस्प्ले पर नजर आएगा, जो कि एक बहुत बेहतरीन कैमरा है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है अगर आप अपनी सेल्फी लेते हैं तो बहुत वाइड आने वाली है सेल्फी भी। और जो है 32 MP का कैमरा फ्रंट यूज किया है। डिस्प्ले की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त जो है एमोलेड डिस्प्ले इन्होंने 130 GHz का यूज किया है। एमोलेड 68B कलर के साथ जो है आपको डिस्प्ले दिखाने वाले हैं। अच्छा, डिस्प्ले जब लुक देता है जब वो बिल्कुल उसकी स्क्रीन बिल्कुल जो है मोबाइल के जो कॉर्नर्स होते हैं उनके साथ हो और जो है डिस्प्ले बड़ा हो, तो इसका जो डिस्प्ले पे भी बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है। 6.55 का इसका डिस्प्ले है, तकरीबन 90% स्क्रीन रेशियो है इसका डिस्प्ले का। तो ये बहुत ही जबरदस्त मोबाइल फोन बहुत जल्द आपको पाकिस्तान में नजर आएगा। तो प्यारे दोस्तों, यकीन ये मोबाइल फोन आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।